रेगुलर अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना ना भूलें ताकि जैसे ही हम कोई नया अपडेट डालें आपके पास इमीडिएटली यह अपडेट पहुंच जाए। हेलो फ्रेंड्स, सरकार के द्वारा सबका विकास स्कीम के अंतर्गत डिक्लेरेशन फाइल करने की लास्ट डेट को एक्सटेंड कर दिया गया है। पहले यह डेट 31 दिसंबर 2019 थी, अब इसे बढ़ाकर 15 जनवरी 2020 कर दिया गया है। ऐसा इसलिए किया गया है कि 73% टैक्स पेयर ने सबका विकास स्कीम को ऑप्ट किया है और 30,627 करोड़ रुपये कमिट किए हैं पे करने के लिए स्कीम के अंतर्गत। इस स्कीम के अंतर्गत 1.84 लाख टैक्स पेयर ऑप्ट कर सकते थे और 1,33,661 टैक्स पेयर ने स्कीम में एप्लीकेशन फाइल की है और 31 दिसंबर 2019 तक ये एप्लीकेशन फाइल की जा चुकी है, जिसमें के 69,550 करोड़ रुपीज़ जो ड्यू थे उसमें से 30,627 करोड़ रुपीज़ कमिट किए गए हैं टैक्स पेयर के द्वारा पे करने के लिए, इसलिए इसकी डेट को एक्सटेंड किया गया है। ये एक वन टाइम एक्सटेंशन है और फाइनल एक्सटेंशन है टैक्स पेयर के लिए, इसलिए आप इस स्कीम को ऑप्ट कर सकते हैं। यह स्कीम लास्ट बजट में इंट्रोड्यूस की गई थी, जिसमें के जो लिगेसी डिस्प्यूट थे सेंट्रल एक्साइज या फिर सर्विस टैक्स के अंतर्गत जो पेंडिंग टैक्स ड्यू थे नॉन कंप्लायंट टैक्स पेयर के द्वारा या फिर टैक्स वेडर के द्वारा, वो स्कीम के अंतर्गत डिक्लेयर किए जा सकते थे और टैक्स पे किया जा सकता था। फ्रेंड्स, अब आप मेरे चैनल सीए सतबीर सिंह की मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे के जो एक्सक्लूसिव वीडियोज़ हैं सिर्फ मेंबर्स के लिए इनकम टैक्स, जीएसटी, फाइनेंस, इट एक्स्ट्रा पर उन्हें रेफ़र कर सकते हैं।